अरुणाचल प्रदेश की पहचान सूर्य उदय की धरती से की जाती है। इसकी राजधानी ईटानगर में बने जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय जनजातीय कला संस्कृति और उनके जीवन को दर्शाता है, जो कि आकर्षण का केंद्र है और यहां आने वाले हर जन को अपनी ओर आकर्षित भी करता है। देखिए जन टीवी की ये खास रिपोर्ट। खूबसूरत वादियों के बीच बसे नौ विश्व के सबसे बड़े राज्यों में से एक अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, जहां बनाया गया है देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम। और इस म्यूजियम की खूबसूरती इस बात को लेकर के है कि यहां बसे आदिवासी जनजीवन की लोक कला और संस्कृति उनके जनजीवन को पूरी तरह से प्रदर्शित करता है। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय की स्थापना 1980 के दशक में हुई। यहाँ पर भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित किया गया है। इसमें कपड़े, साफा, हथियार, हस्तशिल्प, संगीत, वाद्य यंत्र, आभूषण एवं दैनिक जीवन और संस्कृति की अनेक कलाकृतियां शामिल हैं। संग्रहालय में अरुणाचल प्रदेश की तागिन या घासी मिरी, अबतानी या तानी, ताई खंपति, निशी, मिशमी जनजातियों के जीवन, दैनिक जीवन के झांकियों को बताया गया है। कहने को अरुणाचल प्रदेश आदिवासी प्रदेश है, लेकिन यहाँ के बड़े कस्बे और शहर में ब्रांडेड शोरूम देखे जा सकते हैं, जो यहाँ की आधुनिक जीवन शैली को दर्शाते हैं। म्यूजियम में ये दर्शाया गया कि हर जनजाति के अलग अलग कल्चर्स होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं, उसके जो जो पहनने के तरीका अलग होते हैं, रहन सहन अलग होते हैं, इसको दर्शाया गया है। अरुणाचल ओवरव्यू एक ग्लांस में आप म्यूजियम में ये देखने को मिलेंगे। और सेकेंडली जो हमारे यहाँ पे जो माली नीटन से जो आर्कोलॉजिकल्स जो मिलते हैं और नक्शा पर्वत से जो आर्कोलॉजिकल मिलते हैं, अरुणाचल जस्ट जनजाति के प्रदेश नहीं है। यहाँ पे ऐसा बहुत सारा जो वो है, हिंदू भगवान के आप कहेंगे तो जैसे माली नीटन, आप लिकावली जा रहे हो तो आप देखने मिलेंगे, इनसे जो आर्कोलॉजिकल जो 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 भी सामान मिले हैं वो वहाँ पे दर्शाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में करीब 125 जनजाति हैं, जिनमें से हर जिले में एक खास और बड़ी जनजाति निवास करती है। चिंता की बात ये है कि कई जनजातियां बहुत कम संख्या में सिमटती जा रही हैं। हालांकि सरकार इनके संरक्षण और इन्हें संरक्षित करने के लिए काम कर रही है, लेकिन अभी भी और प्रयास करने की जरूरत है। पुरोहित जनजाति है और मेयर जनजाति है, ओलो जनजाति है, जिसकी जो सरकार ऐसा नहीं है कि सरकार बेनिफिट दे रहे, स्कीम्स दे रहे, लेकिन इसके स्पेशली जो भाषाएं हैं वो यूनेस्को में भी इसे इन क्रिटिकली इन डेंजर में लिस्टेड है। जैसे एक ट्राइब है आका कोरो, इन सब ये जनजाति सरकार की ध्यान जरूरी है, इसको कही जरूरी है, जो इनका लैंग्वेज है, इनका कल्चर है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अरुणाचल प्रदेश की आबादी लगभग 13,50,000 के आसपास है। यहाँ के जनजातीय छात्र यहाँ की सियासत में भी बड़ा दखल रखते हैं। हवाई सेवा से वंचित रहे अरुणाचल प्रदेश को 2 साल पहले ही 2022 में डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर को दिया गया है। भारत के सूर्य के उदय होने वाले प्रदेश में बसे जनजातियों को लेकर के यहाँ म्यूजियम में उनके लोक कला और संस्कृति को दिखाया तो गया है, लेकिन 100 से ज़्यादा बसी जनजातियों में से कई जनजाति ऐसी भी हैं जो अब लुप्त होती जा रही हैं, यानी कि उनके संरक्षण को महत्व देना जरूरी है। और यदि इसी तरह से हालात रहे और संरक्षण नहीं किया गया तो वो दूर नहीं है, कई जनजातियां खत्म हो जाएंगी। योगेंद्र शर्मा, जन टीवी न्यूज।